अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानिश अली है और आप देख रहे हैं डी एन सोलर सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज की एक वीडियो स्पेशल वीडियो है, ये हमें रिकॉर्ड करके भेजी है वहीद साहब ने। इनकी दुकान है बलालगंज में खान डीसी मोटर के नाम से। इनकी दुकान का एड्रेस है दुकान नंबर 202 बेसमेंट में इनकी दुकान है। तो हम इंशाल्लाह आपको ये वीडियो दिखाते हैं और बाद में बताएंगे कि इन्होंने ये वीडियो का जो पोटेंशियोमीटर, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, वो लगाया किस तरह था, उसका वर्क प्रिंसिपल क्या होता है। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खान डीसी मोटर बिलालगंज से वहीद खान बात कर रहा हूँ। जिन भाइयों ने गाड़ी का जो थ्रोटल है मोटरसाइकिल का ना, जहाँ वो इंजन भी चलाना चाहते हैं, तो उनसे बताना चाहता हूँ कि ये वॉल्यूम लगाओ 50 के का। मैंने ये देखिए, ये मोटर इस वॉल्यूम से मैं चला के दिखाता हूँ आपको, यानी कि ये बगैर थ्रोटल की चल रही है वॉल्यूम लगा के। अब जिन भाइयों की मोटरसाइकिल की एक ही साइड है, तो वो ज़ाहिर है दो थ्रोटल नहीं लगा सकते, तो उनके लिए गुजारिश है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा आपको ये वॉल्यूम इसके अंदर लगा के दूँगा, तो उसमें आपका इंजन भी चलेगा और ये बाइक इलेक्ट्रिक मोटर भी चलेगी, दोनों एक ही ऑप्शन में चलेंगे। अब ये देखिए ना, ये वॉल्यूम जो है ना, बिल्कुल थ्रोटल का काम कर रहा है। 50K का वॉल्यूम है, 60 वोल्ट की बैटरी है, 1500 वाट की हब है और कंट्रोल लगा हुआ है। ये इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि अभी खान भाई ने हमें दिखाया कि उन्होंने एक पोटेंशियोमीटर से एक BLDC मोटर को कंट्रोल किया। जैसा कि ये एक पोटेंशियोमीटर है, 50K इसकी रेटिंग है, ये बेसिकली एक वॉल्यूम है, ठीक है जी। अभी हम इसको आपको इसे चेक करना है बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें ये इस कंट्रोलर के बारे में। ये 1500 वॉट का BLDC कंट्रोलर है। इसकी बेसिक जो वायर्स हमें ज़रा ज़रूरत होती है, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। ये ब्लैक एंड रेड जो वायर्स हैं, ये है बैटरी की। इसको आप 48 वोल्ट से लेकर 64 वोल्ट तक दे सकते हैं पावर। उसके बाद ये एक रेड वायर, इसके आगे भी थिम्बल लगा हुआ है, ये है स्विच की वायर। इसको आपने इस वायर के साथ जब स्विच से कनेक्ट करेंगे, स्विच लगा कनेक्ट करें या इस तरह कनेक्ट करें, तो आपका कंट्रोलर ऑन होगा। आया जब तक आप ये तार नहीं लगाएंगे, आपका कंट्रोलर ऑन नहीं होगा। इसको इसके साथ लगाया जाएगा। बाकी ये तीन तारें, ग्रीन, येलो, ब्लू, ये हमारी पावर की आ गई जो मोटर को देगी। ये डिस्प्ले का तार है, ठीक है जी। ये जैसा कि हाई लो ब्रेकिंग की वायर है, ये हाई ब्रेकिंग की वायर है, ठीक है जी। ये एंटी थीव लॉक की वायर है, ठीक है जी। ये सेंसरों के तारे हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें कुछ छोटे छोटे फंक्शंस और होते हैं, उनकी तारे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे जो इसके थ्रोटल का जैक। ये थ्रोटल का जैक कि हमने काटा हुआ है इसके आगे से आपको दिखाने के लिए। इसमें तीन तारें होती हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन। समटाइम क्या होता है, ब्लैक, रेड, ब्लू आती है। ब्लैक और रेड लाजिम होती है, ग्रीन या ब्लू या येलो कलर कोड कंपनियां चेंज करती रहती हैं, कंपनी वाइज ये वेरी करता है। लेकिन ब्लैक और रेड जो होती है, ये 5 वोल्ट की होती है, ठीक है जी। ये जो वायर होती है, इसमें हमने पॉजिटिव 5 वोल्ट डिलीवर करने होते हैं। तो जो हमारा थ्रोटल होते हैं, उसमें लगा होता है लीनियर हॉल इफेक्ट सेंसर, ठीक है जी। वो सॉलिड स्टेट एक तरह से पोटेंशियोमीटर ही होता है, वो मैग्नेट की रेटिंग से पावर को कंट्रोल करके इसको डिलीवर करता है। अगर हम इसको डायरेक्ट लगा देंगे तो हमारी मोटर स्टार्ट ले लेगी, लेकिन बहुत झटके से स्टार्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। तो चलें जी, कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटर के कनेक्शन करेंगे। ये हमारी ब्लू वायर आ गई, ये लगेगी ब्लू के साथ, ठीक है जी। दूसरी ब्लू लग गई हमारी ग्रीन के साथ, और जो हमारी येलो है वो लग गई येलो के साथ। मैं ज़रा चेक कर लूँ, आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है मोटर के नहीं, तो दिखाई दे रही है जी। अभी हम मोटर के ऊपर कोई लगाएंगे चीज़ आपको दिखाने के लिए कि हमारा जो मोटर वर्किंग में है, ठीक है जी। मैं ये येलो सा स्टिकर लेता हूँ, इसको लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर लग जाए तो। नहीं, ये नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, इसकी खैर है। तो ठीक है जी, ये हमारे पास 48 वोल्ट हैं। अभी 48 वोल्ट ये पॉजिटिव आ गया, जैसा कि मैंने बताया था, ब्रेक वाली वायर को जो स्विच की वायर है, इसको साथ साथ जोड़ेंगे।
ये देखें जी, ये हमारा कनेक्शन हो गया। अभी इसको थ्रोटल, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये तीन तारे मैंने बताई थी, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, ये तीन तारे हमारे थ्रोटल की हैं। जो ब्लैक वाली वायर है ये नेगेटिव है, रेड वाली पॉजिटिव है, पॉजिटिव 5 वोल्ट, और ये ग्रीन वाली, इसमें हमने 5 वोल्ट डिलीवर करने हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो मैं ज़रा मोटर को हाथ रख लूँ, तो देखें हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके साथ लगाएंगे पोटेंशियोमीटर, तो हम इसको लगाएंगे एक वायर ग्रीन के साथ और एक लगाएंगे हम रेड के साथ, ठीक है जी। जब हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, तब हमें ब्लैक वायर यूज़ करने की ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं होती। इसको ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं, ये दो तारों पे पोटेंशियोमीटर ऑपरेट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसको बंद कर दिया, मोटर इस वक्त कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टार्ट करेंगे, यह देख सकते हैं मोटर हिलती है, ठीक है जी, ये स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप, ये पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल हो रहा है। अभी इसको साइड पर ज़रा कर देते हैं, ये मैंने बंद कर दिया, इसको बंद कर देते हैं। अभी आपको बताते हैं पोटेंशियोमीटर असल में होता क्या है। वॉल्यूम या पोटेंशियोमीटर, इसको आप जो भी कहें, ये बेसिकली एक है रेजिस्टेंस। 50K से हम इसको पहचानते हैं कि 50K का पोटेंशियोमीटर वॉल्यूम है। तो इसकी जो रेटिंग है 50K, क्योंकि आपको पता है के की जो रेटिंग को हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर रेजिस्टेंस में यूज़ करते हैं, तो 50K की ये रेजिस्टेंस है, लेकिन 0 से 50 तक जाती है। तो ये मेरे पास एक यूनिटी का मल्टीमीटर है, ये पकड़ लेते हैं जी, ये आपके सामने ही लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। इसको हम करेंगे 200K पर, ठीक है। ये इसकी प्लस वाली वायर मैं प्लस इसके साथ लगा दूंगा, प्लस के साथ, और माइनस वाली वायर माइनस के साथ। तो आप देख सकते हैं, अभी जो हमारा पोटेंशियोमीटर की रीडिंग 0 है, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से घुमाऊंगा, 2.2K, 5.6K, या देख सकते हैं किलो ओम का निशान आ रहा है। जिस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता घुमाता जाऊंगा, हमारी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, तो हमारा ये जो पोटेंशियोमीटर है 47.3 पर जाकर रुक गया। तो बेसिकली ये 50K का ना हुआ 47.3, लेकिन इसको हम 50 की रेटिंग से ही खरीदेंगे। तो अभी आपको समझ लग गई होगी कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली है क्या चीज़। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और जब हम इससे कंट्रोलर को कमांड देते हैं, तो कंट्रोलर सेंस कर रहा होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को। तो अगर आप पोटेंशियोमीटर लगाना चाहते हैं, तो आप बस दो तारे पोटेंशियोमीटर के यूज़ करें, उसके रेड और ग्रीन वायर के साथ लगा दें, आपका पोटेंशियोमीटर वर्किंग में आ जाएगा। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।